बट यहाँ की गलियाँ मजा आ गया, लिटरली यहाँ पे एक्सप्लोर करने में मजा आ गया। कल से हम लोग ऐसे घूम रहे हैं गलियों में। ये प्लेस तो बहुत डिवाइन है, बहुत स्पिरिचुअल है, हर किसी को इधर आना चाहिए। क्वालिटी अच्छा है, पब्लिक भी बहुत अच्छा प्रेफर कर रहा है, नीटनेस भी बहुत अच्छा है, देने का ढंग भी बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोगों को पता है कि मैं काफ़ी टाइम से वाराणसी में हूँ। तो आप वाराणसी में हो तो यहाँ के फूड्स को टेस्ट करना बनता ही है, क्योंकि कहा जाता है यहाँ काशी के लोग काफ़ी चटोरे होते हैं, या फिर कहा जाए तो खाने पीने काफ़ी शौकीन होते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी आ गया हूँ वाराणसी का सबसे फेमस जो दुकान है, राम भंडार, जहाँ पर कचौड़ी, जलेबी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। सुबह के 7:30 हो रहे हैं, अभी चल के टेस्ट करते हैं और आप लोग ये बताओ टेस्ट का है और कैसे पहुँचना है, वो सारी चीज़ आपको बताता हूँ। सो लेट्स गो। फ्रेंड्स, अभी ट्राई करने जा रहे हैं राम भंडार का, ये कचौड़ी है और ये सब्जी है और साथ में ये जलेबी भी है। तो अभी ट्राई करते हैं और आपको टेस्ट बता दें कैसा है। एकदम गर्मा गर्म मिला है, 30 मिनट्स हमें वेट करना पड़ा। टेस्ट लाजवाब है, मतलब यहाँ ना वर्थ इट है। बाकी फिलहाल पूरा टेस्ट करते हैं हम लोग, उसके बाद पूरा डिटेल्स में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने अभी राम भंडार से कचौड़ी, सब्जी, जलेबी टेस्ट किया। टेस्ट वॉज अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी था, बहुत अच्छी, अच्छा था, लाजवाब था। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब हर जगह मिल जाए, बहुत लोग कहते हैं ये तो टेस्ट हर जगह मिल जाता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। टेस्ट थोड़ा सा फ़र्क तो होता है, इसीलिए दूर दूर से दुनिया से लोग आते हैं, फॉरेनर्स भी यहाँ आते हैं, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। और बेसिकली अगर यहाँ आने की मैं बात करूँ यहाँ कैसे पहुँचना, तो ये बेसिकली ठठेरी बाज़ार है। ठठेरी बाज़ार में आपको आना है और किसी भी पूछे राम भंडार जाना है, बच्चा बच्चा बता देगा आपको, इजली पहुँच जाएंगे। आपको कोई गूगल मैप वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप आइए गोदौलिया वाले रोड पर आ जाइए, गोदौलिया वाले एरिया में आ जाइए, या फिर बुला नाला साइड में, मैदानी साइड में कहीं भी आ जाइए, बस किसी से पूछते जाइए हमें ठठेरी बाज़ार राम भंडार जाना है, इसलिए आपको रास्ता बता दिया जाएगा, पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं मलइयों के लिए। आगे ही एक मलइयों की दुकान है, श्रीजी करके है, और उनको यादव जी के नाम से बहुत लोग जानते हैं। चलिए वहाँ पर हम लोग मलइयों भी टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जी हमने मलइयों ले ली है और हम इसे टेस्ट करते हैं। ये बेसिकली बजाती है, बनारस की ही मिठाई है, बनारस में ही बनी है और बनारस स्टार्ट हुई आज से 200-250 साल पहले शुरुआत किया गया था। और ये दुकान जहाँ हमने लिया है ये भी लगभग 100 साल पुरानी है। अभी चल के मैं भैया से बात करूँगा, दिखाऊँगा। अभी ये यहाँ शुरू होकर दिल्ली तक पहुँच गई, इलाहाबाद में, दिल्ली में गया, दिल्ली में आई थी, किसे दौलत की चाट बोलते हैं, यहाँ मलइयों बोला जाता है, ये ट्रेडिशनल भाषा में इसे बोला जाता है मलइयों। चलिए इसे टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है। टेस्ट बहुत सही है, जैसे होता है ना बॉल की तरह है, पूरा मुंह में जाते हैं तुरंत पिघल जा रहा है, और केसर के, काजू के, बादाम, पिस्ता के, कई चीज़ों के ना फ्लेवर्स आ रहे हैं मुंह में, पूरा पिघल जा रहा है, मुंह में जाते पिघल जा रहा है, बहुत ही मज़ा आता है खाने में।
दिल में खाता हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ आपको बताता हूँ मैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी कुछ नया था इसमें, ऐसा पहले कभी ट्राई नहीं किया था। नहीं, इलाहाबाद में भी मिलता है, वहाँ का फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट होता है, यहाँ का डिफरेंट है, मतलब वहाँ का भी अच्छा है, यहाँ का भी अच्छा है। इलाहाबाद बनारस वाले भाई भाई बिचिंग नहीं कर सकते, बिचिंग नॉट अलाउड, साथ ही रहना है ना हमें, लेकिन हमें अच्छे लगते हैं काफ़ी। की शॉप कितनी पुरानी है? लगभग 100 साल पुरानी है। 100 साल पुरानी। इसके पहले आपके दादाजी, मतलब हमारे दादाजी के पिताजी। अच्छा, दादाजी के। हाँ, ये देखिए हमारे दादाजी हैं, इनके पिताजी, तब से ये चल रही है। मतलब बनारस से स्टार्ट हुआ ये? जी, और क्या, ये सबसे पुरानी चीज़ है, यहाँ से ही चालू हुई है। अभी दिल्ली उल्ली में भी चलने लग गया है, बट ये कहा जाता है यहाँ उसमें ये नेचुरल तरीके से पद्धति बनाई जाती है। आपने खाया, आपको कैसा लगा? बहुत टेस्टी लगा, बहुत मजा आया। नेचुरल यही है, इसमें कुछ अलग से कुछ नहीं है, केवल दूध, इलायची, केसर, गुलाब। फायदे नुकसान कुछ नहीं है इसमें? क्या नुकसान है, कोई इतना लोग खाते, कोई दिक्कत नहीं होती। सुबह सुबह कचौड़ी, जलेबी और मलाइयों खा लेने के बाद हमारे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है, सो हम प्लान करते हैं कि बाकी की चीजों को नेक्स्ट ट्राई करेंगे। सो आज है डे 2 और हम जा रहे हैं उत्पम और इडली डोसा ट्राई करने के लिए। फिलहाल मैं आ गया हूँ अभी गोदलिया पर और चलकर यहाँ पर ट्राई करते हैं उत्पम और इडली डोसा, देखते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ उत्पम ट्राई किया था और अब इडली खा रहे हैं। उत्पम की प्राइस की बात करो 60 रुपीज़ पर प्लेट है और ये इडली है 20 रुपीज़ की है। और लोकेशन की बात करो तो ये जैसे ही गोदलिया चौराहे से आप 10 मिनट घाट के लिए बढ़ते हैं, एंट्री करते ही राइट साइड में आएगी, टेबल पर ही लगाते हैं। पूरे दिन आपको नहीं मिलेगा, बट अगर मॉर्निंग में आते हैं तो मिलेगा। सुबह 7 बजे के आसपास लगाते हैं, 7 से 10 बजे के आसपास होता है। तो यहाँ आकर आप ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट अमेजिंग, बहुत सही है। और हाइजीन वगैरह भी सही है, यहाँ पर साफ़ सफाई से बनाते हैं, बटर वगैरह भी अमूल का ही यूज़ करते हैं, तो मतलब सब कुछ सही है, टेस्ट भी अच्छा है। हैदराबाद से आए हैं? अच्छा, हैदराबाद से आ रहे हैं। तो ये मतलब जैसे आप लोग, तो आप लोगों का तो ये पूरी डिश ही है। ओके, लेकिन क्या यूनिकनेस, मतलब अच्छा लग रहा है वहाँ से कि अलग कुछ लग रहा है कि क्या है? ये प्लेस तो बहुत डिवाइन है, बहुत स्पिरिचुअल है, हर किसी को इधर आना चाहिए। हम तो अभी 5 दिन से यही रुके हैं हमें होटल गंगा दर्शन में। अच्छा, बहुत बढ़िया है। और ये जो अभी फूड खाए आप, हाँ, तो ये कैसा लगा? एक्सेलेंट फूड कोर्ट है ये, फूड क्वालिटी एक्सेलेंट है, यू नो, बटर यूज़ कर रहे हैं फूड में, हाँ। बहुत क्वालिटी, बढ़िया फूड है। एक्चुअली आई एम फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई में साउथ में थोड़ा इडली सांभर ये पूरा चलता, मगर इधर नॉर्थ में इधर थोड़ा चाय, एक टी और ये इडली चटनी और ये उत्तपा, ये थोड़ा टोटली डिफरेंट है। इधर का टेस्ट भी, टेस्ट अलग है थोड़ा इधर, और इधर क्वालिटी भी अमूल बटर से कर रहे हैं, थोड़ा उन लोग कहाँ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे, सो इट्स वेरी गुड। खाने वाली बात नहीं होती, वो होता है कि उसको आप कितना बढ़िया फ्राई करते हैं और कितना क्रिस्प हो जाता है वो, तो क्रिस्पनेस इनकी बहुत बढ़िया रहती है, बनी रहती है, और जो अंदर तक बटर जाता है, तो आप खाइएगा तो हर बाइट में आपके बटर का टेस्ट आता है, तो बहुत बढ़िया है, आप लोग इसको ट्राई करिए सवेरे सुबह। हमने यहाँ पर उत्पम और इडली दोनों को ट्राई किया, दोनों का टेस्ट अमेजिंग था, और हमने यहाँ लोकल लोगों से भी बात किया, उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा था। यहाँ के नॉर्थ से तो लोग, नॉर्थ का लोगों का तो एक्सपीरियंस अच्छा है ही, बट साउथ का जहाँ का ये ट्रेडिशनल फूड है, जहाँ से ये फूड आया हुआ उत्पम, इडली, डोसा, उन लोगों से भी हमने बात किया, उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा था, उन्होंने बोला टेस्ट इज अमेजिंग, सब कुछ अच्छा था। मीन्स अगर वो हमेशा ये खाते हैं, उनको टेस्ट अच्छा लगा, तो आप भी सोच सकते हैं कितना ही अच्छा टेस्ट होगा, कितना मतलब हाइजीन है, साफ़ सुथरा है, प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 60 रुपीज़ और 20 रुपीज़ है। बाकी आने के लिए मैं बात करूँ तो गोदलिया जो मेन चौराहा है जिस पर नंदी जी बने हुए हैं, वहाँ दशाश्वमेध घाट की साइड आप बढ़ेंगे तो 20 से 25 कदम के आगे ही राइट साइड में आता है, और उसके जस्ट अपोजिट साइड में गांधी आश्रम है, गांधी आश्रम के जस्ट सामने ही ये दुकान लगती है, बट पूरे दिन ये दुकान नहीं लगती है, मॉर्निंग में 6:30 बजे स्टार्ट करते हैं ये, 10:30 बजे तक ये क्लोज हो जाती है। तो अगर आप सोचें 10 बजे के बाद या 10:30 बजे के बाद आते हैं तो ये शॉप आपको नहीं मिलने वाली है, तो मॉर्निंग में आइए, ब्रेकफास्ट करिए, इन्जॉय करिए। बाकी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बाकी कुछ भी जितनी चीज़ें थी कवर करने लायक मैंने कवर किया, हालांकि वाराणसी के अंदर फूड इतने फेमस है, इतनी चीज़ें हैं, एक वीडियो में कवर करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। तो मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ, वहाँ पर और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा, फूड से रिलेटेड, ट्रेवल से रिलेटेड, सो स्टे ट्यून्ड, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।
जय हिंद। ओम नमः पार्वती पते हर।